73 में अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम. इट इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट. द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है. पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वी डिवाइडेड बाय लेंथ. ठीक है, अब आपको बोला गया है वायर का लेंथ 4 मीटर है, रेजिस्टेंस इतना है, कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ इतना. ठीक है ना, तो वी निकालने के लिए आईआर करेंगे, है ना. करंट कैसे निकालेंगे अब बहुत, अब यहाँ पे क्योंकि बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आपका वी खुद बैटरी का ईएमएफ के बराबर हो जाएगा. ठीक है ना, ठीक है, जो बैटरी है उसका जो ईएमएफ होगा वही आपका वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. ठीक है, क्योंकि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस भी वही. ठीक है, तो ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट का है, और लेंथ कितना है, 4 मीटर का है, तो ये 1/2 वोल्ट पर मीटर. ठीक है, द रेजिस्टेंस फॉर डिस्चार्ज ट्यूब इज, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नॉन ओमिक. आपका मेटल्स ही ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, बाकी सब नॉन ओमिक. ठीक है ना, क्योंकि वी और आई का रिलेशनशिप लीनियर नहीं है, इससे नॉन ओमिक. ठीक है, ये खाली फैक्ट बेस्ड है ना. 75 में 3 इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट 10 वाट ऑफ पावर. तो जब सीरीज में कनेक्टेड है 3 रेजिस्टर्स, तब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R. ठीक है, और इसके से पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, पावर डिसिपेशन हो रहा है 10 वाट. ठीक है, और जब पावर डिसिपेशन का वैल्यू क्या होगा अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर, तो पैरेलल में तो 1/3 हो जाएगा. ठीक है ना, इस केस में पावर कितना होगा, तो सीरीज में पावर इतना है, तो पैरेलल में पावर कितना होगा. ठीक है, अब दोनों केसेस में सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है. ठीक है, तो पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, वी दोनों केस में सेम है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल है आर बाय 3, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज है 3R, तो हो जाएगा 1/9. तो पावर इन पैरेलल विल बी 9 टाइम्स ऑफ पावर इन सीरीज, यानी 90. ठीक है ना, क्योंकि पावर वी स्क्वायर बाय आर होता है, और वी दोनों केस में सेम है, तो वी इज सेम, तो आप क्या बोलोगे, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये की पॉइंट्स है यहाँ पे. अ 5 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व इन ए कंडक्टर बाय पासिंग अ करंट, व्हेन द करंट इज डबल, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन पहले तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. ठीक है, एक सेंस में कुछ बताया नहीं गया, तो हम लोग कुछ कुछ अजम्पशन करेंगे, है ना, जो अजम्पशन हम लोग सो जस्टिफाई कर सके. तो दोनों केसेस में हम लोग ये मान लेंगे कि सेम टाइम के लिए करंट पास किया जा रहा है, अदरवाइज कम करंट्स को भी ज़्यादा टाइम के लिए पास करके हम लोग ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना, तो राइज इन टेम्परेचर इन द सेम टाइम, वो सब होना चाहिए. ठीक है, फैक्टर्स को, कुछ कुछ फैक्टर्स को हम लोग कंट्रोल कर ले रहे हैं, जैसे टाइम दोनों केस में सेम रखे ताकि आंसर में आ सके, है ना. तो आपको पता है राइज इन टेम्परेचर ms डेल्टा टी होता है, मान लो ये हीट के बराबर है. ठीक है, और हीट क्या होता है, पावर इंटू टाइम. ठीक है, अब पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, है ना, वो यूज़ करो, या वी स्क्वायर बाय आर वो यूज़ करो. अब देखते हैं यहाँ क्या यूज़ करना चाहिए. करंट को डबल किए, ठीक है ना, बाकी सब सेम मानते हैं और करंट को खाली डबल कर रहे हैं. ठीक है ना, तो करंट को डबल किए हैं और कुछ भी नहीं. ठीक है, तो पावर को अगर मैं आई स्क्वायर आर लिखूँ और मान लेता हूँ कि रेजिस्टेंस वगैरह सब सेम रख रहे हैं, ऑफ कोर्स अजम्पशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो वैसे नन ऑफ दिस देना चाहिए था, मैं उसी को मारता. ठीक है, तो हर चीज़ सेम, राइज इन टेम्परेचर आपको सेम रखना है, राइज इन टेम्परेचर पूछा गया, सॉरी, मास सेम है, एस सेम है, हर चीज़ सेम है, खाली करंट डबल किया है. ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो राइज इन टेम्परेचर इज आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई एम एस. ठीक है, अब करंट डबल करने का बहुत तरीका होता है, रेजिस्टेंस को हाफ करके भी करंट डबल कर सकते थे, लेकिन मैं मानता हूँ रेजिस्टेंस फिक्स रखा गया. ठीक है, वही अजम्पशन, क्या बोले, क्वेश्चन अच्छा नहीं उतना. ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरा चीज़ फिक्स है, ये सेम फॉर बोथ केसेस, ये अजम्पशन है, ऑफकोर्स मैं सच में जस्टिफाई नहीं कर सकता, सेम फॉर बोथ केसेस. ठीक है, तो राइज इन टेम्परेचर प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर, तो करंट को अगर डबल करेंगे तो राइज इन टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो 5 का 4 टाइम्स 20. ठीक है, 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इतना इतना, तो रेजिस्टेंस इज मिनिमम, किस में रेजिस्टेंस मिनिमम होगा. ठीक है, अब रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय
ए, तो रेशियो फर्स्ट केस का, सेकंड केस का, थर्ड केस का अगर रेशियो ले तो रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिए, रो एल बाय तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1:4:1/4 ये है ना, जिसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट तो 4:16:1, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बीच वाले का है ना, तो आपसे रेजिस्टेंस मिनिमम पूछा है, सबसे कम रेजिस्टेंस लास्ट वाले का है, लास्ट वाला मतलब ये, ठीक है, तो वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। द सर्किट, द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट होगा, ठीक है, फिर से ये 3 और 3, याद रखना करंट इस पॉइंट पे घुस रहा है इस नेटवर्क में और इस पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट तक जाने का दो रास्ता, एक का रेजिस्टेंस 3 है, दूसरे का रेजिस्टेंस 6 है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 × 6/3+6, तो 18/9 मतलब 2, ठीक है, तो ये 2 ओम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो करंट हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट यानी 1 एम्पियर, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट ए जंक्शन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ, हमें पता है करंट का सम जीरो कैसे क्यों मानते हैं, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन करना रहता है, तो चार्ज कंजर्वेशन ही आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ देता है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ शोन बिलो, आई वर्सेस वी का ग्राफ दिया गया, आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस आपको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये तो ओमिक लिखते हैं हम लोग, है ना, एक्चुअली में डायनामिक रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन करंट के करस्पॉन्डिंग ऐसे, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस होता है डी बाई डी आर यानी स्लोप ऑफ वी आई कर्व, है ना, लेकिन यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, तो 1/DI/DV, ठीक है, यानी 1/slope of IV curve, है ना, स्लोप ऑफ IV, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ IV, ठीक है, ये समझ में आया ना। अब आपको बोला गया कि रेजिस्टेंस कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये चीज़ नेगेटिव तब होगा जब ये नेगेटिव हो, और ये नेगेटिव होने के लिए आपका ग्राफ नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फ्लैट हुआ है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो पॉइंट सी पे ग्राफ आप देखोगे तो पॉइंट सी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नीचे जा रहा है, ठीक है, पॉइंट डी पे टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे तो अनडिफाइंड है, तो पॉइंट सी पे टेंजेंट नीचे जा रहा है, पॉइंट बी पे ऊपर जा रहा है, पॉइंट ई पे, ये भी कॉर्नर पॉइंट है तो वैसे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ई के जस्ट पहले देखेंगे तो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना, डी पे तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो ये लोग एक पॉइंट नहीं बोल रहे, एक रेंज बोल रहे हैं, हाँ तब तो और आसान है, तो सी से डी के बीच में ग्राफ नीचे जा रहा है, तो सी से डी के बीच में आपका रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। 100W 200V बल्ब इज कनेक्टेड टू 160V सप्लाई, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा, ठीक है, तो इससे हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ये डेटा से, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V² / R, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बल्ब यही हो गया, ये फिक्स हो गया, रेजिस्टेंस फिक्स है ना। अब उस रेजिस्टेंस वाले बल्ब को, यानी उस बल्ब को हम लोग कनेक्ट किए हुए थे पावर सोर्स जो 160V का है ना, ठीक है, तो इस पर कितना पावर कंज्यूम होगा, तो पावर होता है V² / R, और R का वैल्यू कितना है 200² / इतना, ठीक है, तो 100 × 160/200, तो 160/200 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4/5, है ना, 4/5 मतलब 4/5, तो ये 64 हो जाएगा, है ना, 64 वाट, ठीक है। 1 kWh इज इक्वल टू, तो इसमें इसी में राज छिपा हुआ है इसका, 1 kWh, ठीक है, कैसे लिखते हैं मुझे खुद नहीं पता, एच लिखते होंगे शायद, जो भी है उतना यूज़ नहीं होता है, तो ठीक है सबका वैल्यू का रिपोर्ट कर दो ना, ये तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, तो 1 kilo मतलब 10³ watt, वाट तो ऐसा यूनिट छोड़ दो, आवर, आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 seconds, ठीक है, तो सब चीज़ को ऐसा में कन्वर्ट कर दिए, तो 36 × 10³, ठीक है, तो 36 × 10⁵ होना चाहिए। 1 kWh मतलब 1 घंटे के लिए 1 kW का पावर को कंज्यूम करेंगे तो कितना एनर्जी,
जनरेट होगा, बस वही है कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा। इफ़ टू बल्ब्स हुज रेजिस्टेंसेस आर इन द रेशो 1:2 आर कनेक्टेड इन सीरीज द पावर डिसिपेशन, अब सीरीज में कनेक्टेड है तो मतलब सेम करंट, ठीक है, तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, पावर के बारे में पूछा गया, तो पावर का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, आई वाला, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर, क्यों, क्योंकि करंट सेम है तो पी प्रोपोर्शनल टू आर बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो करंट सेम है तो पी प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो पावर का रेशियो आपका रेजिस्टेंस का रेशियो के बराबर होगा, और रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 1:2, ठीक है। वी स्क्वायर बाहर करके भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि वी भी अलग अलग होगा, आर भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा बस। तो पी वन में पी टू क्या है, 1:2। वट विल द इक्वेलेंट रेशियंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड डी, ए और डी किधर है भैया, ए और डी के बीच में इक्वेलेंट रेशियंस कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सर्किट तो दिख नहीं रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो अलग बात है, ए से डी, ए और डी के बीच में इक्वेलेंट पूछा है, मतलब ए से करंट अगर घुसे मान लो और डी से निकले तो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये तो इसका कोई काम नहीं है, इस पे तो कोई करंट होगा नहीं क्योंकि ये किसी क्लोज लूप का पार्ट नहीं है, क्लोज सर्किट का पार्ट नहीं, सर्किट का पार्ट नहीं मतलब ये भी कोई सर्किट का पार्ट नहीं, ठीक है ना, तो इसको आप भूल सकते हो, ये कोई काम करने, वैसे ये भी भूल सकते हो, ये भी कोई काम करें, ठीक है। तो करंट यहाँ से गया इसमें, ऐसे ओके यहाँ पहुँचेगा और ऐसे ओके यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों, ये 10 और ये 10 सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें वही करंट इसमें चला गया, तो 10 और 10 मिलके 20 हो गया, वैसे ये 10 मिलके भी 20 हो गया, तो ये 20 है, ये 20 है, 20 और 20 पैरेलल में है तो मिलके 10 हो जाएगा, तो ये पूरे का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, 10 है, ठीक है। तो 10 10 10 तो 30। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2, तो सबका रेजिस्टेंस वैल्यू 2 है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना होगा, तो ए और बी के बीच में रेशियन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेशियंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको रीड्रॉ करते हैं, तो रीड्रॉ करेंगे तो आप देखो ए और बी, बाकी पॉइंट्स को भी नाम देते हैं, सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए से सी तक तो ऐसे ही चल गए हम लोग, या सी और ए तो सेम ही है, ठीक है। अब इसको ए बोलो तो इसको भी ए बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए है तो ये भी ए है, वैसे ये बी है तो ये भी वी है, ठीक है ना। तो ए से डी के बीच में 2 ओम का है, तो ए से डी के बीच में 2 ओम का है, और ए से ई के बीच में भी 2 ओम का है, ठीक है। फिर डी से ई के बीच में 2 ओम का है, तो डी से ई के बीच में 2 ओम का हो गया। फिर डी से बी के बीच में 2 ओम का है, डी से बी के बीच का 2 ओम का है, और ई से बी बचा हुआ है, ई से बी भी 2 ओम का है, ठीक है। तो आपसे बोला है इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाएंगे तो ये 4 और 4, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 और 4 पैरेलल में है, तो 4/2 मतलब 2, ठीक है। टू वायर्स ऑफ सेम मेटल हैव सेम मेटल, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, हैव सेम लेंथ बट क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो 3:1 है, ठीक है। हर चीज़ सेम है एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन एरिया, उनको सीरीज में ज्वाइन किया तो रेशियंस तो थिकर वायर ही इतना, तो टोटल रेशियंस क्या होगा, ठीक है, थिकर वायर का रेशियो इतना है, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ठीक है। अब दोनों सेम मेटल का है तो मतलब सेम रो है, दोनों का सेम लेंथ है मतलब एल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू A2/A1, तो फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस 10, सेकेंड केस का नहीं पता, फर्स्ट केस का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट केस का है 3, सेकेंड केस का है 1, ठीक है। तो R2 का वैल्यू 30 आ गया, R2 क्या है 30 ओम, ठीक है। तो टोटल रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में ज्वाइन किए, तो सीरीज में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में उनको फर्क नहीं पड़ता, एक का रेशियो 10 है एक का 30 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 40। इन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इज मेटेलिक,
अ हीटिंग कॉइल इज लेवल्ड 100 वाट 220 वोल्ट, यानी इतना वोल्ट अप्लाई करेंगे उस कॉइल के अक्रॉस तो इतना पावर जनरेट करेगा। द कॉइल इज कट इन हाफ एंड द टू पीसेस आर जॉइंट इन पैरेलल, ठीक है। तो कॉइल इज कट इन हाफ मतलब उसका रेजिस्टेंस को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया और दोनों को फिर पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाय पी करके, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब ये रेजिस्टेंस जो है इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, ठीक है, और उनको पैरेलल में जोड़ दिया गया। तो आर बाय टू है ना। ऑफ कोर्स दिस इज इक्विवेलेंट टू आर बाय फोर का एक सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है। और सेम सोर्स से कनेक्ट किया गया है ना, सेम सोर्स मतलब 220 वोल्ट में ही कनेक्ट किया गया। तो एनर्जी नाउ विल बी पर सेकेंड कितना होगा, ठीक है ना। अब तो उसके लिए उतना मत करो, अगर सेम सोर्स है तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं था। तो मैं बोलता हूँ कि पावर आपका वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। वी तो दोनों केस में सेम है, इस केस में भी 220 वोल्ट ही है और इस केस में 220 वोल्ट ही है, ठीक है ना। तो वी सेम है मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो पी वन बाय पी टू इक्वल टू आर टू बाय आर वन होना चाहिए। तो सेकेंड केस का रेशियंस कितना है, आर बाय फोर, और फर्स्ट केस का रेशियंस तो इसी का रेशियंस हम लोग आर माने थे, है ना। इसका रेशियंस कितना माने थे, आर माने थे, ठीक है। फर्स्ट केस का पावर कितना है, 220 100, सेकेंड केस का पावर यहाँ से 400 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। रेजिस्टेंस अगर 1/4 हो गया है पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर 1/4 हो गया तो पावर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 100 वाट का 4 टाइम्स 400 वाट, ठीक है। और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट इफ इट्स प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर विद द रेजिस्टेंस इतना, तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इज, ठीक है। अब यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और उसको चार्ज कर दिया है 400 वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी इन द कैपेसिटर जो होगा, एनर्जी इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये अब क्योंकि एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है। अब हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी आप अगर कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हो तो जो उसका इनिशियल एनर्जी था वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी इसका इक्वल प्रोड्यूस होगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हीट, ठीक है। यही एनर्जी जो है पूरा का पूरा डिस्चार्ज होने वाला है ना। तो यहाँ से हीट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक सेकेंड फोन बज रहा है। तो यहाँ से हीट का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रो इंटू 16 इंटू 10 की पावर 4, तो 16 दूनी 32, 10 की पावर -2, तो 0.32 ऑप्शन डी। अ वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ इतना व्हेन कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी, तो रेजिस्टिविटी कितना है, तो रो एल बाय ए, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग अगर इसका रेजिस्टेंस निकाल ले, करंट और ईएमएफ पता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी बाय आई, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी बाय आई रो एल बाय ए, एल है आपका 0.5 और एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 मीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये हाफ हाफ कट गया, रो का वैल्यू 10 की पावर -6 आया, है ना, सही किया ना कैलकुलेशन। हाँ, 6 रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ए हेक्सागन एंड 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 6 ओम ईच आर कनेक्टेड अलॉन्ग ए सी ए डी ए ई, ठीक है। तो आपको दे दिया यहाँ पे सबका वैल्यू, पढ़ने जरूरत नहीं था। इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्वलेंट क्या बोला गया, ठीक है। अब जिन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा गया वो दोनों पॉइंट को मार्क कर लो, है ना। फिर सोचो ए से बी जाने के कितने अलग अलग रास्ते, ठीक है। तो एक तो डायरेक्टली ऐसे चला गया ए से बी, 3 ओम का है, ठीक है। दूसरा ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे रास्ते है ना। तो चलो यहाँ से सिम्प्लीफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला इसमें जितना करंट जाएगा इसमें उतना करंट जाएगा, तो ये दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा, 3 और 3 मिलके 6 हो गया, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम लोग 6 बोल देंगे, है ना। अब ये दोनों को भूल के आप यहाँ पे इमेजिन करो 6 है, तो यानी इस पूरे का बदले मैं अगर 6 लिख रहा हूँ
ठीक है, तो ये 6 और ये 6 इन दोनों पॉइंट के बीच में पैरेलल में, ठीक है, इन पॉइंट से मतलब पैरेलल में, तो 6 और 6 मिलके 3 हो जाएगा। दो इक्वल रिलेशंस अगर पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस पूरे को काट के आप यहां पे 3 जोड़ सकते हो, ठीक है, ये 3 और ये 3 सीरीज में, क्योंकि इसमें जितना करंट जाएगा पूरा का पूरा, याद रखना ये बाकी कुछ भी नहीं, ये पूरा का पूरा करंट यहां घुस जाएगा, ठीक है, ये 3 और ये 3 आपका सीरीज में, तो 3 और 3 मिलके फिर से 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, तो ये 3 और 3 मिलके 6 हुए, 6 और 6, 6 और 6 मिलके 3, ये पूरे का बंदी एक 3 जोड़ दो, ये 3 और ये 3 फिर से सीरीज में हो गया। अभी ये 6 और 3 सीरीज में नहीं है, लेकिन इस पूरे का बदले आप सिर्फ एक रिलेशन लगाओ यहाँ 3 का, तो वो 3 और ये 3 सीरीज में, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको पूरे को मिटा दो, ठीक है, और ये पूरा हट के 3 बन गया है ना, 3 3 और 6 मिलके 3 बन गया। अब ये 3 और ये 3 किस में है, सीरीज में, तो 3 और 3 मिलके फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 मिलके फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 और ये 6 मिलके फिर से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 और ये 6 मिलके फिर से 3 हो जाएगा, तो इसको 3 बोल सकते हैं ना, फिर से ये 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा, 6 और 6 मिलके 3 हो जाएगा, 3 और 3 मिलके 6 हो जाएगा, ठीक है। और यानी ये पूरा मिला के 6 है, 6 और 3 पैरेलल में है ना, याद रखना ये पूरा मिला के 6 है, ये 6 और 3 पैरेलल में, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 6 और 3 पैरेलल में है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अ फ्लो ऑफ 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन ए कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट्स अ करंट ऑफ, अब करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, करंट होता है आपका चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो पर सेकेंड है मतलब टाइम तो आपका एक सेकेंड है, चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब पॉजिटिव में दिया हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इतना, आप अगर नेगेटिव में भी ले लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर कोई नेगेटिव में है नहीं, ठीक है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 1.6 इंटू, सही किया कैलकुलेशन, ओके, नहीं नहीं माइनस 12, 17 नहीं, 17 है ना, माइनस 12। आइडेंटिफाई द सेट इन विच ऑल द 3 मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो तीनों के तीनों जब आपके मेटल होंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, तो कॉपर, ये क्या है, मरकरी, NaCl, कॉपर, जर्मेनियम, HG क्या होता है नहीं पता, मरकरी बोलते हैं HG को, छोड़ दो क्या फ़र्क पड़ता है, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड है ना, हाँ, तो ये तो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है, डायमंड अच्छा कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 94 में इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वाट, 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट इज, तो रेजिस्टेंस पूछा गया आपको, रेटिंग पता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी स्क्वायर बाय पी, वी है 220 वोल्ट, पी है 60, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 60, दो तिया दो 11, तो 11 0 0, 11 2 22, 11 2 22, तो 24, ठीक है, तो 800 समथिंग आएगा, 800 भी बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर ही आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 807 है, ठीक है, अगर एक ही होता तो डी ऑप्शन। 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना दो, कोई भी 2 टर्मिनल चूज कर लो, आपका फेवरेट कोई भी 2, मैं सपोज ये दोनों चूज किया, ठीक है, तो इसके बीच में इक्वलेंट मतलब अगर करंट यहाँ से घुसे यहाँ से निकले तो इक्वलेंट क्या होगा, अब करंट इस नेटवर्क में घुसने के बाद एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसके पास 2 रास्ते, एक तो ये वाला रास्ता जिसका रेजिस्टेंस 2 आ रहा है और एक ये वाला रास्ता जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो 2 रास्ते हैं, एक का रेजिस्टेंस 2 आ रहा है, एक का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर, तो 2/3, ठीक है, अब रेजिस्टेंस 4 है तो 8/3 हो जाएगा, है ना, 2 इंटू
4 बाय 3 मतलब 8 बाय 3। करंट थ्रू 3 ओम इज 0.8, तो इसके थ्रू 0.8 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4, इसके अक्रॉस क्या होगा, तो इसके अक्रॉस आपको इसमें करंट कितना है 0.8, ठीक है, तो इसका रेशियंस इससे आधा है ना, तब करंट इतना है, तो इसमें करंट इसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। करंट मतलब आपका रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम होगा, ठीक है ना। तो V इक्वल टू IR, I को हाफ कर देंगे तो करंट रेजिस्टेंस डबल करना पड़ेगा, ठीक है, या उल्टा रेजिस्टेंस को डबल किया तो I हाफ हो जाएगा, तो इसमें कितना करंट हो जाएगा 0.8 और 0.4 मिल के यहाँ पे 1.2 दे देंगे, तो आपको बोले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो इसमें करंट है 1.2, तो 4.8 ऑप्शन सी। 97 में अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इन इट इज मैक्सिमम इज गिवन बाय, ठीक है, तो R का वैल्यू क्या होगा जिसमें पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो, तो बैटरी का EMF 10 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि बैटरी के अलावा जो भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा जो भी रेजिस्टेंस है जो बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तब पावर मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हर इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, मान लो, तो मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डिराइव किया जा सकता है, खाली डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम इफ आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना है 0.5, तो ये आपका हो जाएगा ए। द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट इन ए मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, किस ऑर्डर का होता है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है रैंडम वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो बहुत कम रहेगा, ठीक है, और रैंडम वेलोसिटी की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है उस सेंस में कि वेलोसिटी कौन सा ड्रिफ्ट की रैंडम वो बताया नहीं गया है, ठीक है, तो वैसे करंट का वैल्यू दे दिया है, करंट का वैल्यू दे दिया है तो पोस्ट वाले लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है बहुत ही कम रहता है, तो मैं तो यहाँ पे ए बोलूँगा अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो, ठीक है ना, तो इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात हो रहा है तो उसके हिसाब से मैं ए बोलूँगा, ठीक है, ओके। वैसे बाकी ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं गए, अगर रैंडम वेलोसिटी का बात होता तो वो 10^4, 10^5 उस ऑर्डर का रहता है ना, सेवरल थाउजेंड मीटर्स को तो 10^3 ऑर्डर के बोलेंगे, तो उस सेंस में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही बात कर रहा होगा, ठीक है, रैंडम वेलोसिटी 10^4 के ऑर्डर का रहता है। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1, तो सबका रेजिस्टेंस 1 है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ओके, तो चलो यहां पे करंट का वैल्यू थोड़ा जूम करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहां पे यहां से करंट जो घुसा होगा है ना, इसमें अगर I1 करंट जा रहा है तो यह देखना सर्किट सिमेट्रिकल है, घुसते समय और निकलते समय सेम इन्वायरमेंट है ना, तो घुसते समय देख लो जैसा इन्वायरमेंट मिला, निकलते समय वैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर में I1 गया होगा तो करंट जब बाहर निकल रहा होगा तो I1 नीचे आएगा यहाँ से, ठीक है, वैसे इसमें अगर I2 गया होगा तो यहाँ से भी I2 घुसते समय इसमें गया होगा तो I2 निकलते समय भी जाएगा, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इसमें I2 गया और पूरा का पूरा I2 इसमें चला गया, इसका मतलब कि इसका करंट यहाँ पे बटा नहीं कहीं भी, यानी इस को हम लोग रिड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा इस वाले कॉन्टैक्ट को भूल जाएंगे, ठीक है, तो ए से वन फिर वन से बी पहुँचे, तो ए से बी पहुँचने में ये दोनों वन वन है और दोनों में करंट सेम सेम है, तो इस जॉइंट को हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, घिसका देते हैं, ठीक है ना, तो अब घिसकाने से क्या फ़ायदा होगा, देखो ये वन तो है यहाँ पे, यहाँ पे वन है, ठीक है, अब इसको ऊपर घिसका देंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला वन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे घिसका देंगे तो ये टू हो जाएगा, ठीक है, इसको जैसे आप ऊपर कर दोगे, कनेक्शन को भूल जाओ, यहाँ पे है ही नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है भी, तो
ठीक है, क्योंकि इसका करंट पूरा पूरा ऐसे चल जाए और इसका करंट पूरा पूरा ऐसे चल जाए, अभी तो कोई मिक्सिंग नहीं है, इसमें जो कितना करंट है पूरा पूरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऊपर उठा दिए, ऊपर उठा दिए तो मतलब ये वन और ये वन सीरीज में हो गए, है ना, तो इसको टू बोल रहा हूँ, ठीक है। सबका हो गया वन 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 वन, ये वन और ये वन मिलकर टू हो गया और यहाँ वन वन, ठीक है, पाँचों के पाँचों आ गए। तो ए और बी के बीच में इक्वेलेंट डिस्टेंस कितने हैं, ठीक है, ये तो आसान है, ये टू और वन मिलकर टू बाई थ्री हो जाएंगे, टू इंटू वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, टू बाई थ्री, ठीक है। और ये टू बाई थ्री, ये वन और ये वन सीरीज में है ना, तो ये टू बाई थ्री वन वन सीरीज में है ना, तो इस ऊपर वाले हाफ का हो जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री प्लस वन, ठीक है, ओके। और नीचे वाले हाफ का हो जाएगा टू, है ना, इस पूरे ऊपर वाले हाफ का इतना, नीचे वाले का इतना, ठीक है। तो टू प्लस टू बाई थ्री मतलब एट बाई थ्री, और ये टू है, तो इक्वलेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चीज़ इसके पैरेलल में ए और बी के बीच में, ठीक है, तो 16/3 और 14/3, तो दो अटे दो सते आठ बाय सात, ठीक है।